हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सरबजीत सिंह और आप देख रहे हैं टेकेस के। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि रेडमी नोट 13 प्रो प्लस 5G में आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं, वो भी विद इंटरनल एंड एक्सटर्नल साउंड के साथ। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो इसके लिए आपको अपने फ़ोन में स्क्रीन रिकॉर्डर वाली ऐप में चले जाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डर, तो स्क्रीन रिकॉर्डर पर क्लिक करेंगे। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको ये ऐसे ऑप्शंस शो हो जाएंगी। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को स्टार्ट करने के लिए आपको ये रेड वाले डॉट पर क्लिक कर देना है या फिर सर्कल पर क्लिक कर देना है, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी। और यहीं से आपको इसके साइड में जो है सेव करने की ऑप्शन मिल जाएगी, टिक की ऑप्शन। तो आप वहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ऑफ होकर सेव हो जाएगी, और पॉज भी कर सकते हैं। और चलिए अब हम इसकी सेटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर सेटिंग की ऑप्शन है साइड में, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से दोस्तों आपको बहुत सारी सेटिंग मिल जाएंगी। तो जो भी आपने सेटिंग करनी है अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है साउंड सोर्स की। अगर आपको इंटरनल रिकॉर्डिंग चाहिए गेमिंग के लिए तो सिस्टम साउंड्स पर क्लिक करेंगे। माइक से रिकॉर्डिंग करने चाहते हैं माइक पर क्लिक कर देंगे। ऑडियो नहीं चाहिए म्यूट पर क्लिक कर देंगे।